जो नेता आज इस तरह की बात कर रहे हैं, उन नेताओं का वहां जो जमीनी सत्र पे वो अपना जो वजूद था वो खो चुके हैं। चौधरी देवीलाल, इस प्रदेश की बागडोर जिसके हाथ में आई, उन्होंने उन नालों का सारा का खर्चा, सारा का सारा वहन। आज हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं उनको कोई दिखाई नहीं देता, उनको जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत जी और बबली हम सब दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा भविष्य उज्जवल है, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जब मौका दिया था 10 साल, जब अपने प्रॉपर्टी डीलिंग करके सिर्फ और सिर्फ अपने लाखों करोड़ रुपए गुड़गांव की पूरी भूमि को बेच के अपनी तिजोरियां भरने का काम किया था, जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया था। साथियों, व्यवसायीकरण उन्होंने राजनीति का किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे भोले भाले किसानों की जमीन लूट के और उससे भाई अपनी तिजोरियां भरी। आज अगर कोई प्रदेश के हित के लिए आगे बढ़ा है तो हम लोग बड़े हैं, हमने बड़े फैसले प्रदेश हित के लिए लिए हैं, चाहे किसान की बात हो, हमारे ग्रामीण अंचल में बैठे हमारे ग्रामवासियों की बात हो। साथियों, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको रात को भी हम नजर आते हैं, सोए उनको दुष्यंत नजर आते हैं, कहीं हमारे और विधायक नजर आते हैं, हमारे मंत्री नजर आते हैं। एक बात और भी कहना चाहूंगा, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रोज शाम ने गठबंधन ने तोड़ के सोए, भाई गठबंधन तो टूटेगा, गठबंधन तो टूटेगा। भाई मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो नेता आज इस तरह की बात कर रहे हैं, उन नेताओं का वहां जो जमीनी सत्र पे वो अपना जो वजूद था वो खो चुके हैं। मैं कई नेताओं को सुनता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका अपना कोई वजूद बाकी नहीं रह रहा। आने वाला भविष्य उज्जवल भविष्य है, हमारे जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारा जो संगठन है उनका। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो हमारी पार्टी बनी थी, आज करीबन 4.5 साल हो गए हमें काम करते हुए। साथियों, जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, और सबसे पूजनीय और आदरणीय हमारा कार्यकर्ता है, घर घर तक हमने पहुंचना है। आज ये पहली रैली की हमने शुरुआत की है, इसी प्रकार हम सारी की सारी, क्योंकि 9 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और भाई करीबन 16 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, चुनाव सिर पे हैं, चुनावी साल है, हमें हर लोकसभा में रैलियां करनी पड़ेंगी, हर ब्लॉक में जाना पड़ेगा, हर गांव में जाना पड़ेगा और हर हलके में जाना पड़ेगा। और भाई एक अनुरोध और भी करना चाहूंगा, साथ में अपने नेताओं से भी कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, विधानसभा वाइज लोकसभा वाइज अपना सर्वे करा के उनको मजबूत करने का हम लोग काम करें, ताकि वो जनता के बीच में जाके पार्टी की नीतियों का काम बताने का काम करें। और जो कार्य हमने किए हैं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में जो वादे जनता से किए थे, उसमें से बहुत से वादे हम पूरे करके आए हैं। अगर मैं पंचायत राज की बात करूं तो 50% प्रतिनिधित्व हमने महिलाओं का देने का हमारी मैनिफेस्टो में जिक्र किया था, उसको हमने पूरा करने का काम किया, और बहुत से जो वादे थे वो दुष्यंत जी आपको बताएंगे। साथियों, आगे बढ़ो, एकजुट हो, मजबूत हो, हमारी पार्टी मजबूत है। जो ये कहते हैं कि पार्टी का जनाधार खिसक चुका है, वो उन लोगों का जनाधार खिसक चुका है, उनके घर में इतना कलेश है, जब टिकटों की बारी आएंगी तो बहुत से ऐसे लोगों की अनदेखी करेंगे। और भाई जो मजबूत लोग हैं उन तक अपनी अप्रोच बना के रखो, जैसे पहले 10 विधायकों को लेकर आए थे, ये 46 कैसे बने, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, और 10 की 10 पार्लियामेंट आप कैसे जीत कराओ, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आप आए, इतना भव्य प्रोग्राम मैं आज की पूरी टीम को, हमारे पदाधिकारियों को और खास तौर से हमारे दुलाना के हमारे विधायक साथी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और विधायक जी कह रहे थे, जी एक कलम सी आप भी चला दो मंत्री जी, भाई मंत्री कल मंत्रालय बबली के पास नहीं है, ये हमारे जो 10 के 10 विधायक हैं वो सारे के सारे डिप्टी सीएम हैं और वो सारे के सारे विधायक हैं, हमारे पार्टी के सारे जिला अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके आशीर्वाद से हमारे जितने विगो के जो स्टेट के अध्यक्ष हैं सबके सब वो ताकते हैं। हाँ भाई, गठबंधन में है थोड़ा सा काम जिस गति से और जिस मजबूती से हम चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हम गठबंधन के सहयोगी हैं, पूरी सरकार हमारी नहीं है। लेकिन एक बात फिर कहने लग रहा हूं, जिस दिन पूरी सरकार बना लोगे, 40 विधायक बना लोगे और 10 पार्लियामेंट जीत के आ जाओगे, असली उस दिन राज में सेवा, राज आने के बाद लोगों की सेवा करने का आनंद उस दिन डबल हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा। इसके लिए सबको मेहनत करनी होगी। यहाँ इस भव्य प्रोग्राम के लिए आज के आयोजकों का बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और विधायक जी को आश्वस्त करना चाहूंगा, विधायक जी आपके कम से कम 100 करोड़ के नहीं, 50 करोड़ के आपके काम दुष्यंत जी ने मार करके भेजे, सारे पास हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के टेबल पे, जल्दी वो पैसा रिलीज हो जाएगा और हर गांव के अंदर जो मैंने घोषणा यहां से बातें की हैं वो डेवलपमेंट हम ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।